वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई। मैं नितेश मुंडा और आज हम देखने वाले हैं हमारा थर्ड टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, 10th सीबीएसई हिस्ट्री, जो है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, राइट। तो ये कैसे हुआ, इसके पहले का सिनारियो क्या था, मैंने आपको इसके पहले समझाया है कि सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू की खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में। जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अपने अपने सबके इंडिविजुअल लेवल पे आइडिया थे कि वो इसके साथ में कैसे जुड़ते चले गए, और अब हम देखने वाले हैं कि जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वायलेंट होते चले गए तो गांधी जी ने इसको बंद करने के बाद में एक्चुअली इंडिया में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कि वायलेंस बढ़ा इसलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट को रोक दिया। इसके अलावा जो हुआ वो समझना पड़ेगा कि गांधी जी का ये मानना था कि कोई भी अदर मास स्ट्रगल करने के पहले जो सत्याग्रही है उनको प्रॉपरली ट्रेन करना जरूरी है। बट बहुत कांग्रेस के ऐसे लीडर थे जो मास स्ट्रगल से थक चुके थे, वो चाहते थे कि इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का हमको मिला हुआ है प्रोविंशियल काउंसिल का। आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ जो प्रोविजंस थे उसमें से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के वहां पे जा सकता था, जिस पार्लियामेंट में जाया जा सकता था, जो एक्ट 1990 में ब्रिटेन में पास हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो उनको ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करना था, पहले बात को कोई काउंसिल में जाके उनके पॉलिसी को हम अपोज कर पाएंगे, उनके लिए आर्ग्यू कर पाएंगे, रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रेस कर पाएंगे, हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि जो ये काउंसिल है जिसको डेमोक्रेटिक बोला जा रहा है वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक है नहीं। इसीलिए विद इन द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के अलग जाके नहीं, विद इन द कांग्रेस दो लीडर्स, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो लीडर्स थे जिन्होंने अपनी स्वराज एक अलग पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस, ठीक है। और ये लीडर हिमायत करने लगे कि भाई हमको काउंसिल पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो यंग लीडर्स थे, जो रेडिकल लीडर्स थे, उन्होंने उनको लगा कि भाई ये यही एक रास्ता नहीं है इंडिपेंडेंस पाने का, इससे अलग कुछ करना पड़ेगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि दो बहुत मेजर फैक्टर रहे जिन्होंने इंडियन रिवॉल्यूशन में बहुत मेजर पार्ट या जिसको आप बोलेंगे मेजर रोल प्ले किया। ठीक है, तो बहुत मेजर रोल प्ले किया ये समझना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो वो दो पार्ट, दो केस जो थे वो कुछ इस तरह से थे। पहला केस कि जो वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन आया, इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया, सबको पता होगा 1929 में वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आया था, मतलब इकोनॉमिकल साइकिल खत्म हो गए थे सब तरफ, जिसको हम बोलते हैं जागतिक महामंदी। क्या बोलते हैं, जागतिक महामंदी आई थी, बहुत लोगों के जॉब्स चले गए थे, एग्रीकल्चर के जो गुड्स थे उसके प्राइस बहुत ज्यादा लो हो गए थे, इवन उसको सेल करना डिफिकल्ट हो गया था। इसका जो कारण है ये कहीं ना कहीं आपने पास्ट में पढ़ा है या मैं आपने शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा लिया हर कंट्री ने, इवन एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ा लिया। तब हुआ क्या कि वॉर होने के बाद डिमांड तो रही नहीं ज़्यादा, धीरे 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 प्राइस और इकोनॉमिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता गया, और उसका एक इफेक्ट 1929 में हमको देखने को मिला, 1929 देखने को मिला, जिसको वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं।
ये 1926 से एक्चुअली शुरू हुआ प्राइस गिरना, और 1930 में ये एक्सट्रीम पे आ गया था। ये एक चीज थी कि जो गांव वाला एरिया था, मतलब सिटी से छोड़ के जो जॉब नहीं कर रहा था, जो पूरा एग्रीकल्चर गुड्स पे डिपेंडेंट एरिया था, वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। वो टर्मोइल में था, मतलब वो दुविधा में था कि अब ऐसे क्या किया जाए। और सेकंड जो चीज जिसने फ्यूल किया ये सारे इंटरनल सिचुएशन को, वो था साइमन कमीशन, जो बहुत फेमस है। इवन बहुत लोगों ने इसके बारे में सुन भी रखा होगा इससे पहले। साइमन कमीशन क्या था? टॉरी गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन की वो टाइम में, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बैठा कि इंडिया में जो ये नेशनलिज्म मूवमेंट चल रहा है, कि उस हिसाब से इनके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था कि भाई अगर इंडिया के लिए कुछ करना है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के लिए कुछ करना है, तो उसमें एक आधा तो मेंबर इंडियन लगेगा कि जो इंडिया के बारे में बता सके, भाई हमारी ये मांगे हैं, ये हमको ऐसा लगता है कि ये सही होना चाहिए। क्या इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए? नहीं, ये पूरे कमीशन में एक भी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसीलिए सारे जितने भी पार्टीज थे, वो कांग्रेस हो, वो मतलब मुस्लिम लीग हो, सारे लोग एक ही बेंच पे आके इन्होंने इनका विरोध किया, राइट? और कि ये जब इंडिया में अराइव हुए 1928 में, तो इनको एक ही चीज सुनने को मिली हर जगह, गो बैक साइमन। ये सब 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 कुछ सब पूरे पार्टी एक साथ में ये चीज में आ गए। अब हमको नेक्स्ट समझना पड़ेगा कि फिर भाई ये प्रॉब्लम होने के बाद भी इंडिया के दिमाग से थोड़ा निकालना है, इसलिए वॉइसरॉय लॉर्ड एरविन ने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 को डोमिनियन स्टेटस, मतलब इंडिया को एक इम्पोर्टेंट स्टेटस दिया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। बट कांग्रेस इससे खुश नहीं थी, वो ये नहीं चाहते थे। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो रेडिकल साइकोलॉजी के लोग थे, वो ये चाहते थे कि इससे बहुत ज्यादा कुछ हमको मिलना चाहिए था, बट ये नहीं मिला। बट लिबरल और मॉडरेट वाले जो लोग थे सोचने वाले कि भाई हाँ होगा, देखेंगे करेंगे, तो ये लोग तो लॉस्ट हो गए थे कहीं ना कहीं। मतलब 1929 के बाद में ये कहीं खो गए थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे, शपथ लेंगे कि भाई हम फुल इंडिपेंडेंस लेंगे। ये लाहौर कांग्रेस ने फॉर्मलाइज किया, ठीक है? लाहौर कांग्रेस ने फॉर्मलाइज किया, और इसके लिए बहुत सारा कुछ किया गया। इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई कांग्रेस की तरफ से, बट इसको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिल पाया, तो ये वन ऑफ द फेल्यूर रहा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर कांग्रेस ने की थी, ठीक है ना? तो वो टाइम में लाहौर कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अब हमको ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज जो नेशनलिज्म है या जो इंडिपेंडेंस है, ये मिलने के लिए सभी लोगों का एक साथ आना बहुत जरूरी है, और वो आने के लिए हमको ऐसा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे सब लोग रिलेट कर पाए। इसीलिए ये जो नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट कि गांधी जी ने इसके आगे किया क्या। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा वायसराय अरविंद को, और उसमें 11 डिमांड्स रखी, जिसमें कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी, कुछ प्लीजेंट्स की थी, कुछ इंडस्ट्रीज की थी, कुछ लैंडलॉर्ड्स की थी। सबका मतलब एक ऐसा पैकेज बनाया जिसमें एक वाइड रीच हो सके कि भाई हाँ, मैंने इनके लिए भी कुछ मांगा है, मैंने ये तबके के लिए भी कुछ मांगा है, मैंने दूसरे तबके के लिए भी कुछ मांगा है, मैंने सफाई कर्मचारियों के लिए भी कुछ मांगा है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड जो उन्होंने रखी
वो थी सॉल्ट टैक्स के बारे में। वो क्या थी? सॉल्ट टैक्स, तो अबोलिश और सॉल्ट टैक्स। वो टाइम में सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था और सॉल्ट बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ गवर्नमेंट के मिल्स के पास में था, मतलब उसके अलावा कोई भी सॉल्ट को बना नहीं सकता था। अगर आपको खरीदना है तो आपको मोनोपली जो थी वो गवर्नमेंट मिल्स की थी। तो गांधी जी ने एक सोचा कि भाई देखो सॉल्ट तो रिच भी कंज्यूम करते हैं और पुअर भी कंज्यूम करते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट इसेंशियल आइटम है फूड का। तो ऐसे इसेंशियल आइटम पे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और गांधी जी ने ये अल्टीमेटम दिया कि अगर ये सारी मेरी मांगे जो है 11 मार्च 1930 तक अगर पूरी नहीं होती है तो हम एक कैंपेन लॉन्च करने वाले, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलेंगे। अभी ध्यान दीजिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या कि हमने कॉपरेट करना छोड़ दिया, मतलब हमने जॉब्स छोड़ दी, बट हमने लॉ नहीं तोड़े। अब गांधी जी क्या चाहते थे? आप, हाँ, आप कॉपरेट तो नहीं करें, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो किया वो सारा हम यहाँ पे करेंगे, बट हम जो भी कॉलोनियल लॉज है उसको भी तोड़ेंगे। इसीलिए इसको बोला गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, कि हम सिर्फ कॉपरेशन करना नहीं छोड़ेंगे, उनको उनके लॉ ब्रेक करके उनको बताएंगे कि हम उनके अगेंस्ट हैं। और इसकी शुरुआत हुई बहुत फेमस सॉल्ट मार्च से, जो टोटल 24 डेज चला, 240 माइल्स के लिए। 24 डेज, 240 माइल्स, मतलब 10 माइल्स पर डे गांधी जी चले विथ अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ में। जहां पे भी वो रुके वहां पे उन्होंने समझाया लोगों को कि स्वराज का उनके लिए मतलब क्या है। ये दांडी यात्रा जो है ये शुरू भी उनके साबरमती आश्रम से। सो गुजरात के कोस्टल एरिया, एक गांव गांव का नाम है दांडी, वहां तक ये वॉक शुरू हुई और इसको बहुत सारा सपोर्ट मिला। उन्होंने, गांधी जी ने खुद सॉल्ट वहां पे बनाया, वो रूल तोड़ा, सेरेमनी हुई, सॉल्ट बनाया, रूल तोड़ा गया, और ये एक फॉर्मल लॉन्च था। ये क्या था? एक फॉर्मल लॉन्च था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और जैसे मैंने बताया कि ये उससे थोड़ी अलग मूवमेंट थी, बिकॉज यहाँ पे लॉज भी तोड़ने थे। और फिर से क्या हुआ कि डेमोन्स्ट्रेशन हुए सॉल्ट फैक्ट्री के अगेंस्ट, फॉरेन क्लॉथ को फिर से बॉयकॉट किया गया, लिक्वर शॉप पिक्टेटेड, मतलब उसको ब्लॉक कर दिया गया, कोई जाना नहीं चाहिए। इसलिए विलेज के ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया। मैंने जो फॉरेस्ट में रहते थे, जैसे मैं पिछले बार अपने देखा था नॉन कॉपरेशन में, बहुत जो कंट्री साइड के लोग थे, हिली एरियाज के लोग थे, उनके जुड़े थे, बिकॉज वो फॉरेस्ट में ही जा पा रहे कॉलोनियल रूल की वजह से। तो वो फॉरेस्ट में गए, उन्होंने उनके जो भी पालतू प्राणी है उनको वहाँ पे ग्रेस करना शुरू कर दिया, उन्होंने वहां से ऊड़ कलेक्ट करना शुरू कर दिया फॉरेस्ट से, और ये डेवलपमेंट से बरी हो गए। ये डेवलपमेंट से बरीड होके बहुत कांग्रेस लीडर को कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वन बाय वन अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद में वायलेंट क्लैशेस हुए। इवन दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे तब, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफार खान, ये गांधी जी के बहुत मतलब पास के करीबी थे और कांग्रेस में बहुत बड़ा पद रखते थे अब्दुल गफ्फार खान। ये इनको अरेस्ट कर दिया गया अप्रैल 1930 में, और इनके अगेंस्ट पेशावर में इन्होंने बहुत कुछ आगजनी की, बहुत लोग फायरिंग में मारे गए, पुलिस के ऊपर हमला किया। इसके बाद में एक मंथ बाद में गांधी जी खुद अरेस्ट हो गए ये बात को लेके। उसके बाद में जो शोलापुर था, ये शोलापुर एक गांव है जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर ने अटैक किया पुलिस पोस्ट पे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पे, लॉ कोर्ट पे,
मतलब जो भी कुछ ब्रिटिश ने बनाया था सब पे, जो ब्रिटिश का सिंबल था। इसके बाद एक चीज जो हुई कि गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन शुरू कर दिया। मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि ये सारा कुछ रुक जाए, इसीलिए उन्होंने बहुत लोग को मारा, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। और फिर से मतलब ये लगा गांधी जी को कि भाई सिचुएशन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मतलब ये जो शुरू हुआ था 24 मार्च 1930 को, जहाँ पे दांडी में शुरू हुई थी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और उनको लगा कि बस ये बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, इसलिए उन्होंने 5 मार्च 1931 को एक पैक किया अरविंद के साथ में, लॉर्ड अरविंद के साथ में, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रोक दिया, ठीक है, और होल्ड अप कर दिया। और गांधी जी को एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिला राउंड टेबल मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हुई वहां पे लंदन, ठीक है। और दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए, कॉन्फ्रेंस अटेंड की, निगोशिएट किया, निगोशिएट ब्रोक डाउन हुआ, मतलब निगोशिएशन प्रॉपर हुआ नहीं, और वो रिटर्न हुए डिसअपॉइंटेड। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये टाइम ब्रिटिश ने क्यों लिया, वो ये टाइम में इनके जो मेन नेता थे इनको पकड़ रहे थे, उनको जेल में डाल रहे थे, इनकी जो कांग्रेस की पहुंच है उसको तोड़ रहे थे, गांधी जी इसमें फंस गए। और वो जब इंडिया में वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक नया रूप धारण कर लिया है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, साइकिल ऑफ रिप्रेशन, मतलब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मेन मेन नेता सारे जेल में है, गफ्फार खान जेल में है, जवाहरलाल नेहरू जेल में है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, और सीरीज ऑफ मेजर इम्पोज किए गए हैं, जो भाई आप मीटिंग नहीं कर सकते, कहीं कहीं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, कोई चीज का बॉयकॉट नहीं कर सकते। और इसी बीच में वापस रीलॉन्च की सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी ने, बट वो कुछ फिर से उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट 1 साल चली और उसके बाद में 1934 में ये जो मोमेंटम था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, ये कहीं खो गया। तो ये था पूरा स्टोरी कि जो दांडी यात्रा शुरू हुआ सॉल्ट मार्च से। और मैं अभी तक का जो एक समअप करवा देता हूँ आपको टॉपिक के, भाई देखो ये एक्चुअली 1922 में जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बन रही तो दो चीजों ने फेल किया, तो साइमन कमीशन एक था, वर्ल्ड वर्ल्ड डिप्रेशन सेकंड था, उसके इफेक्ट्स के वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुए। और जो साइमन प्रॉब्लम क्रिएट हुए और गांधी जी ने जो लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, फिर सॉल्ट मार्च हुआ, और सॉल्ट मार्च होने के बाद में सिविल डिसोबिडियंट कैंपेन हुआ, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए कॉल ऑफ करके 5 मार्च 1931 को, और फिर वो डिसअपॉइंटेड वहां से वापस आए, सिविल डिसोबीडियंस फिर से स्टार्ट हुई, बट 1 साल के अंदर उसने अपना मोमेंटम खो दिया। तो ये पूरी एक स्टोरी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं हूँ नितेश मिश्रा, मास्टर सीबीएसई।